नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो के जरिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ मजेदार किस्से जो म्यूजिक और बॉलीवुड रिलेटेड हों, आप लोगों तक ला सकूं। आज हम बात करेंगे एक महान गायक, गॉड गिफ्टेड सिंगर जसपाल सिंह जी के बारे में। सावन को आने दो, गीत गाता चल, ऐसे कई सारे हिट देने के बाद भी वो गुमनामी में क्यों चले गए, आइए जानते हैं। जसपाल सिंह जी का जन्म 23 मार्च 1943 अमृतसर पंजाब में हुआ। उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे। जसपाल सिंह जी को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। भगवान का दिया हुआ आवाज था उनके पास, बुलंद आवाज, सुरीली आवाज। इसी कारण से अपनी लोकैलिटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में वो हमेशा गाते हुए नजर आते थे। बहुत सारे म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स भी वो जीते। रफी साहब को वो अपना गुरु मानते थे। उनका कोई भी गाना बड़ी आसानी से वो गा लेते थे। पर उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक लॉयर बने या उनका होटल बिजनेस संभाले। इसी कारण से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गाजियाबाद लॉ कॉलेज से अपना लॉ भी कंप्लीट करते हैं। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी की शादी होती है मुंबई में, और ये मौका जसपाल सिंह जी गंवाना नहीं चाहते थे। गर्मियों की छुट्टी में वो मुंबई पहुंच जाते हैं अपनी दीदी के पास। जीजा जी को पता था कि जसपाल सिंह एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, और वो अपने एक दोस्त के थ्रू उषा खन्ना जी के साथ इनकी मुलाकात करवाते हैं। उषा खन्ना जी जो फेमस थे न्यू कमर्स को चांस देने के लिए, उन्होंने जसपाल सिंह जी को भी चांस दिया अपनी एक फिल्म 1968 में बनी बंदिश में एक सोलो नंबर के लिए। ये गाना जसपाल सिंह जी का पहला डेब्यू था। गाना कुछ खास नहीं चला। उषा खन्ना जी ने उनको दोबारा चांस दिया अनजान है कोई मूवी जो बनी थी 1969 में, उसमें महेंद्र कपूर जी के साथ एक डुएट गाने में। खेल मत मत का, मटके में जो दिल अटका तो पड़ जाएगा फटका। ये गाना भी कुछ खास काम नहीं कर पाए। जसपाल सिंह जी को और कोई काम नहीं मिला तो वो पंजाब और मुंबई आना जाना करने लगे। उनके पिताजी को पता चल गया था कि ये बेटा कभी उनका होटल बिजनेस नहीं संभालेगा, तो उनके पिताजी ने मुंबई में एक फ्लैट खरीदकर जसपाल सिंह को दे दिया। अब जसपाल सिंह जी यहां रहने लगे, अपनी वकालती प्रैक्टिस करने लगे, साथ ही साथ महेंद्र जीत जी से गाना भी सीखने लगे, और स्टूडियो का चक्कर उनका चलता रहा। इसी दौरान उनकी दोस्ती, उनकी जान पहचान होती है रविंद्र जैन जी के साथ, जो वही आसपास कहीं रहते थे। तभी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर में एक मूवी बन रही थी, नाम था गीत गाता चल, जिसमें एज ए लीड एक्टर एक्ट्रेस सचिन और सारिका को लॉन्च किया जा रहा था। एक गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था जो रफी साहब और आशा जी ने गाया था। पर प्रोड्यूसर राजकुमार बरजातिया एक यंग और फ्रेश वॉइस चाह रहे थे। तब रविंद्र जैन जसपाल सिंह जी को बुलाते हैं और एक गाना रिकॉर्ड करते हैं। गाना और वॉइस सबको बहुत पसंद आया, लेकिन तभी एक मुश्किल सामने आई। रविंद्र जैन जी का कहना था कि इस मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है गीत गाता चल, वो रफी साहब से गवाया जाए, क्योंकि अगर एक नया सिंगर का वॉइस लोगों को पसंद नहीं आया तो इसका असर मूवी पर पड़ सकती है। लेकिन प्रोड्यूसर राजकुमार बरजातिया चाहते थे कि सारे गाने जसपाल सिंह जी ही गाएं, और आखिर में यही तय होता है कि जसपाल सिंह जी ही बाकी सारे गाने इस मूवी के गाएंगे। गीत गाता चल, ओ साथे गुनगुनाता चल, गीत गाता चल, मंगल भवन
राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम राधा का भी श्याम। गीत गाता चल रिलीज होती है और एक सुपर डुपर मूवी साबित होती है। सचिन सारिका के साथ एक बुलंद आवाज वाले नया सिंगर का जन्म होता है, जसपाल सिंह जी का जन्म होता है, जिनकी आवाज में गांव की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती थी। इसके बाद जसपाल सिंह जी सचिन के वॉइस के रूप में जाने लगे और उनके कई सारे मूवीज में उन्होंने गाने गाए, जैसे श्याम तेरे कितने नाम, जिद, अखियों के झरोके से। जो बड़े इनको लगु कहे नहीं रही। अरुण गोविल के लिए भी उन्होंने सावन को आने दो फिल्म में दो गाने गाए, सावन को आने दो, सावन को। इतने सारे हिट्स देने के बाद भी राजश्री प्रोडक्शंस बैनर के अलावा किसी और बैनर में उनको काम नहीं मिल रहा था। 1976 में मुकेश जी और 1980 में रफी साहब के देहांत होने के बाद नए सिंगर्स आने लगे, जैसे मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अनवर। इसी दौरान एक मूवी बनी थी बालिका वधु, जिसमें सचिन के वॉइस में अमित कुमार को इस्तेमाल किया गया था। गाना था बड़े अच्छे लगते हैं, जो सुपर डुपर हिट होता है। बड़े अच्छे लगते हैं। मूवीज का ट्रेंड भी चेंज हो रहा था, रोमांटिक मूवीज कम और एक्शन मूवीज ज्यादा बन रहे थे। तभी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर में एक मूवी रिलीज होती है, नाम था नदिया के पार, जिसमें सचिन के लिए जसपाल सिंह जी कई सारे गाने गाते हैं। मूवी और गाने दोनों हिट होता है। साची कहे तो दे आवन से हम दे, साची कहे तो दे आवन। मास्टर अलंकार को भी राजश्री प्रोडक्शंस लॉन्च करते एज ए हीरो। मूवी थी पायल की झनकार, इसमें भी जसपाल सिंह जी का वॉइस इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मूवी कुछ खास नहीं चली थी। रविंद्र जैन और राजश्री प्रोडक्शंस के अलावा कोई और बैनर या म्यूजिक डायरेक्टर ने कभी जसपाल सिंह जी को इस्तेमाल ही नहीं किया। सचिन, मास्टर अलंकार, अरुण गोविल, ये लोग एज ए हीरो अनसक्सेसफुल रहे और इसी कारण से जसपाल सिंह जी को वो शोहरत, वो नाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जसपाल सिंह जी एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो कहते हैं कि उनको कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, उनको जो भी मिला है बहुत मिला है, ऊपर वाले के आशीर्वाद है उनके ऊपर। हम यही दुआ करेंगे कि हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।